अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो हियर आई एम इन अनदर ब्लॉग। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, मतलब अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो मेरी आँख खुली अभी, तो मैं थोड़ा मतलब बाहर आई रूम से ना, तो मैंने देखा इतना अच्छा बाहर का मंजर हो रहा है। मतलब ये सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, ये वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा होता है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा देखें कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ से। तो देखें यहाँ पे ना हवा भी अच्छी चल रही है। आपको थोड़ा खोल के भी दिखा देती हूँ। बाहर का नज़ारा खूबसूरत सा, सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा लगता है। बहुत फ्रेश एयर होती है इस टाइम और सुकून तो बहुत ही ज़्यादा होता है। देखें ज़रा, और कल मैंने टेरेस भी वॉश करवाया था ना, तो अभी बिल्कुल साफ सुथरा हो रहा है। हवा भी अच्छी चल रही है और यहाँ पर मैं चाय भी बना रही हूँ। आज बस सुबह सुबह मूड हो गया चाय पीने का। वो वाला तो हट गया जो झंडा लगा हुआ था ना, एक यहाँ पे लगा हुआ था और एक यहाँ था, तो ये वाला भी लगा हुआ है। ये पता नहीं कब तक जश्न आज़ादी मनाते रहेंगे। कौन है ये लोग? ये वाला हट गया है। बहुत ठंडी हवा है, बिल्कुल ऐसी फ्रेश फ्रेश आ रही है ना अभी। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा यहाँ से हटने का, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है, कूल ब्रीज। और ये देखिए चाय में भी उबाल आ गया, इसको सिम पे कर दूंगी और ये अभी पकती रहेगी। और किस किस को इस तरह का ना मतलब सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, वो अच्छा लगता है आप लोग मुझे बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसी खामोशी सी होती है ना, बस चिप परिंदों की आवाज़ आ रही होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और देखिए वहाँ पे वो बर्ड्स, अभी मैं आपको ये देखी कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जिस तरह से जा रहे होते हैं ना ये बर्ड्स के जो मतलब जो ग्रुप्स होते हैं, ये मुझे इतने अच्छे लगते हैं देखने में। अभी देखें दोबारा से आए ना, तो मैं दिखाती हूँ। ओह कितने अच्छे लग रहे हैं। One eternity later. हाँ जी, तो देखा आप लोगों ने कि कितनी सुबह सुबह उठ के हमने चाय पी ली थी। बस उठी ना तो अचानक से मेरा दिल किया चाय पीने का, तो मैंने चाय बना ली और वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो बस चाय पीने के बाद ना मैं दोबारा से सो गई और अब ये 12 बज रहे थे और मैं उठी तो भूख लगने लगी, तो मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना लिया था। हस्बैंड तो थे नहीं घर पर, तो बस यहाँ पर मैं अकेली ही बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और चाय सुबह पी के ना नींद बहुत अच्छी आई। कुछ लोग कहते हैं कि चाय पीने के बाद नींद नहीं आती, लेकिन मेरे साथ उल्टा ही है ना। मतलब चाय तो ऐसे मुझे सुकून दे देती है ना, तो उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई और गहरी नींद आई। हाय हाय इतना सुकून। तो बस अभी मेट के आने का भी टाइम हो गया था, तो फिर मैं उठी और सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया। चाय मैंने थोड़ी देर में बनाई थी फिर, क्योंकि सुबह में तो पी ली थी। और अब यहाँ पे मैं आई रूम में, तो ये डस्टिंग वगैरह करनी थी, रूम को नीट करना था क्योंकि मुझे अभी बेडशीट भी चेंज करनी है। तो पहले मैंने ये सारी डस्टिंग की और रोज़ के रोज़ इतनी मिट्टी हो जाती है ना। अभी मैंने मतलब जैसे कल डस्टिंग की है और आज ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने दिनों से मैंने डस्टिंग नहीं की। तो इतनी मुझे उलझन होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि एक एक चीज़ साफ़ करनी पड़ती है। और ये सोफ़े के जो ये दिए हुए ना डिज़ाइन, इसको साफ़ करने में जो मुझे जान जाती है ना कि बस बता नहीं सकती मैं आपको कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा होता है जब मैं डस्टिंग करती हूँ। तो इसीलिए ना मैंने वीडियो भी नहीं बनाई और मैंने फटाफट से डस्टिंग वाला काम निपटाया। और अब मुझे यहाँ पर ये बेडशीट चेंज करनी थी क्योंकि फिर मशीन लगवानी थी, तो मैंने सोचा पहले ये कर देती हूँ ताकि बेडशीट भी धुल जाए।
यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे से बेडशीट बिछा रही थी, प्रॉपर एक एक, एक सिलवट ख़त्म कर रही थी, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती वो जो सिलवटें आ जाती है ना, वैसे तो आनी ही होती हैं, जाहिर है बैठना उठना होता है बेड पे, लेकिन जब बेडशीट बिछे ना तो मेरा दिल चाहता है बिल्कुल टाइट और वो जो फिटेड होती है ना बिल्कुल उस तरह की बेडशीट बिछे, तो इसीलिए मैं एक एक सिलवट निकाल रही थी और देखने कितना अच्छा लग रहा है। और जब तक रूम में मतलब ये सब चीज़ें ना हो ना कि बेडशीट चेंज हो, डस्टिंग हो, चाहे नीचे से आप कितनी भी सफाई करवा लो कि झाड़ू पोछा हो जाए सब हो जाए, लेकिन जब तक ये काम नहीं हुए हुए होते ना तो घर साफ लगता ही नहीं है। और अब बेडशीट चेंज होने के बाद इतना सुकून का लग रहा था, तो जब मेरे हस्बैंड आए ना कहने लगे वाह भाई तुमने तो बहुत ही अच्छा काम कर दिया, क्योंकि वो बिछे बिछे ना फिर अजीब मतलब उलझन सी होने लगती है देख देख के, लेकिन मैं चेंज कर देती हूँ 1 वीक में, लेकिन फिर भी बस दिल चाहता है कि हर 2 दिन में चेंज हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, 1 वीक तो इनफ है, इतने टाइम में तो चेंज करनी बनती है। तो बस यहाँ पे देख लें फटाफट से अब मैं ये गिलाफ भी चेंज कर दूंगी, और इस काम के बाद फिर जाहिर है मुझे डिनर बनाना था, तो यही रूटीन चल रही होती है रोज़ की। अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या कंटेंट बनाऊँ ना, लाइक जो मेरे घर में होता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसीलिए मैं रोज़ वीडियो भी नहीं डालती, क्योंकि मेरा तो यही रूटीन रहता है। हाँ जब आउटिंग वगैरह पे जाएंगे तो वो भी मैं शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो यही रूटीन है ना, तो अब मैं रोज़ वीडियो सेम सेम अपलोड करूँगी तो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए फिर मैं थोड़ा गैप दे देती हूँ। जब आउटिंग शुरू होंगी फिर तो इंशाल्लाह रोज़ की ही वीडियो आप लोगों को मिलेगी और कुछ डिफरेंट डिफरेंट भी मिलेगा। अभी मुझे ये सोचना पड़ता है कि मैं क्या कंटेंट बनाऊं कि आप लोगों को भी पसंद आए, इस तरह की वीडियो हो, जैसे कि मैं मेकअप का सोच रही हूँ कि मैं मेकअप की भी बनाऊंगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरे पास कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, तो वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग बताइएगा कि किस तरह का कॉन्टेंट आप लोग देखना पसंद करेंगे, तो मैं उस तरह की वीडियो बनाऊँ। फ़ायदा नहीं है ना कि वीडियो बनाती रहूँ आप लोग देखें भी नहीं, और ज़्यादातर ना लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो इस चीज़ पे तो मुझे इतना बुरा लगता है ना कि सब्सक्राइब करके देख लिया करें तो ज़्यादा बेहतर है, बिना सब्सक्राइब के वीडियो तो देख लेते हैं, वॉच टाइम मेरा नॉन सब्सक्राइबर्स का ज़्यादा होता है, सब्सक्राइबर्स का भी होता है लेकिन नॉन सब्सक्राइबर का ज़्यादा होता है, मतलब न्यू व्यूवर्स आते हैं मेरे चैनल पर और वो वीडियो भी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जो भी नए आने वाले हैं ना वो सब्सक्राइब करके वीडियो देखें। तो बस यहाँ पे ना बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, रूम नीट एंड क्लीन हो गया था, और उसके बाद ना अंडे वाला बर्गर आ गया था जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस वो इंजॉय किया मैंने बैठ के चाय के साथ। और अब यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और मैं बना रही हूँ ये बहुत ही टेस्टी सी ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई, और इसकी डिटेल रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ और फटाफट से बता भी देती हूँ थोड़ा बहुत कि किस तरह से बना रही हूँ। बस मैंने चिकन फ्राई करके निकाल ली थी और फिर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली, उसको थोड़ा सा सॉटे किया ऑयल में, और उसके बाद ये टमाटर मैंने इसके ऊपर इस तरह से रख दिए थे, ये मैं पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि टमाटर को सॉफ्ट करने का ये सबसे ईजी तरीका है, इस तरह से दो दो टुकड़ों में कट करके आप रखें, उल्टा करके थोड़ा सा पानी डाल दें, और इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी साथ डाल दी थी जो कि रेसिपी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन टमाटर अगर आप जल्दी गलाना चाहते हैं ना तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, बहुत ही जल्दी से हो सॉफ्ट हो जाते हैं। मैंने पानी डाल के ना इसको 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया था, और यहाँ पे अब ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो मैं इनको पोटैटो मैशर से इस तरह से मैश कर लूँगी, तो बहुत ही अच्छा सा मसाला रेडी होता है। मैंने ये वाली कढ़ाई जब से बनानी शुरू की है ना तो मतलब जब भी कढ़ाई बनने का होता है ना तो यही वाली बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत जायकेदार होती है, सिर्फ ये नहीं कि इसमें मसाला ज़्यादा होता है, इसका टेस्ट भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं ट्राई किए ना, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा ये रेसिपी देख रहे हैं ना, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अच्छे से मैंने टमाटर को मैश कर लिया था और उसके बाद ना जब मसाला सब बन गया ना तो फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसको भी मिक्स कर लिया, और अब मैंने इसमें
हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1.5 टीस्पून भर के मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून भर के, और क्यूमिन पाउडर ज़ीरा पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1.5 टीस्पून भर के। तो ये सारे मसाले इसमें जाएंगे, और प्याज को जब मैं सॉटे कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट इसमें डाल दिया था, और बाकी का सॉल्ट मैं चिकन ऐड करने के बाद ही इसमें डालूंगी। तो यहाँ पर देखें, जब इस तरह से मसाला भुन जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए तो उसके बाद हमने जो चिकन फ्राई करके रखी हुई थी वो इसमें डालनी है, और साथ ही मैंने सॉल्ट भी डाला है चिकन के हिसाब का, क्योंकि चिकन में सॉल्ट नहीं था तो अब मैंने वो सॉल्ट भी ऐड कर दिया है, और अब इसमें कुछ और मसाले भी जाएंगे। तो इस तरह से बारी बारी ही आपने मसाले इसमें डालने हैं, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन ऐड करने के बाद कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और साथ ही मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्चें भी डाली हैं 1/4 टीस्पून, और 3-4 मैंने हरी मिर्चें 2-2 टुकड़ों में कट करके डाल दी हैं, और उसके बाद मैंने इसमें 1 कप दही डाल दिया है। तो ये इस तरह से आप लोग ज़रूर ये वाली कढ़ाई बनाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मसाला तो आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आप लोगों को पसंद हो, अगर बहुत ज़्यादा मसाला खाते हैं तो आप लोग इसको थोड़ा और रनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पकाया था मतलब जिस तरह का मसाला हमें पसंद है ना जितना उतना मैंने रखा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये होता है कि भाई थोड़ा मसाला भी होना चाहिए कढ़ाई में, वरना मोस्टली जो कढ़ाई बनती है ना उसमें प्याज नहीं जाते, सिर्फ टमाटर होते हैं, तो टमाटर का कितना भी मसाला कर लो लेकिन फिर भी थोड़ा कम हो ही जाता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, और चिकन बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुकी है, मैंने इसे कवर करके 10 से 12 मिनट मैंने इसे और पका लिया था चिकन ऐड करने के बाद ना, तो अब चिकन अच्छे से टेंडर हो चुकी है, और मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है। मसाला भी आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है लेकिन मैं अभी इसे कवर करके और पकाऊंगी 5 से 7 मिनट, क्योंकि मुझे मसाला थोड़ा सा लग रहा था कि ज़्यादा है तो इसीलिए मैंने उसे ड्राई कर लिया था, और अब मैं इसे कवर कर दूंगी। यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है, तो कढ़ाई ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अगर आप लोग इस स्टेज पर इसका चूल्हा बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पका रही थी क्योंकि मुझे ये थोड़ी ज़्यादा मतलब मसाला ज़्यादा लग रहा था। और यहाँ पर देखें, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन कढ़ाई बन के तैयार होती है। आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर बनाएं, मतलब आप अपनी पूरी फैमिली को अच्छे से फीड कर सकते हैं इस कढ़ाई के साथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मसाला नहीं है, मुश्किल और ये देख लें कितना मसाला है। तो अलग अलग तरह की कढ़ाइयाँ बनती हैं मेरे चैनल पे, 5-6 रेसिपीज़ चिकन कढ़ाई की अपलोडेड हैं, और मैं और भी आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की कढ़ाई बनाती हूँ। तो अब मोस्टली यही बन रही होती है तो इसीलिए न्यू रेसिपी शेयर की। तो बस यहाँ पे अब हम डिनर कर रहे हैं, और डिनर करने के बाद फिर ये आइसक्रीम आ गई थी, तो ये आइसक्रीम एंजॉय की। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।